नमस्कार। लाइव 24 पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर माफिया अतीक अहमद का परिवार चर्चा में है। उसके बड़े बहनोई को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद से माफिया के परिवार पर पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। पिछले दिनों उमेश पाल केस में प्रयागराज पुलिस ने रिमांड होम में रखे गए अतीक के नाबालिग बेटों को भी आरोपी बनाया है। दोनों पर उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। वहीं अतीक की बड़ी बहन शाहीन अहमद के पति डॉक्टर मोहम्मद अहमद को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। अतीक के वकील का दावा है कि बहनोई और उनकी बेटी जेवा अहमद को पुलिस अपने साथ ले गई है। दरअसल पिछले दिनों डॉक्टर अहमद ने अतीक के दोनों नाबालिगों की कस्टडी मांगी थी। वकील का आरोप है कि पुलिस ने दबाव बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की है। माफिया अतीक अहमद का परिवार इस समय उमेश पाल हत्याकांड में बुरी तरह से फंसा हुआ है। उसकी पत्नी शाइस्ता प्रवीण इस समय फरार चल रही है। उस पर उमेश पाल की हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा अतीक के दोनों बड़े बेटे मोहम्मद उमर और अली अहमद जेल में है। असद अहमद का एनकाउंटर हो चुका है। दोनों नाबालिग बेटों को रिमांड होम में रखा गया है। दोनों की कस्टडी मांगने वाली उनकी बड़ी बहन शाहीन अहमद के पति डॉक्टर मोहम्मद अहमद और उनकी बेटी जेवा अहमद को पूरा मुफ्ती और शिवकुटी थाने के पुलिस अपने साथ ले गई है। आरोप लगाया जा रहा है कि 26 जुलाई की रात 8 बजे घर में पुलिस घुसी और दोनों को साथ लेकर चली गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर वकील विजय मिश्रा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। वकील विजय मिश्रा ने अर्जी में कहा है कि पुलिस बिना बताए दोनों को कहीं उठा कर ले गई, दोनों की जान को खतरा है। अर्जी में कहा गया है कि थाना शिवकुटी और थाना पुरा मुफ्ती से रिपोर्ट मांगकर दंड की प्रक्रिया की धारा 97 के तहत कोर्ट कार्रवाई करे, इससे दोनों की जानमाल की रक्षा हो सके। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने आदेश दिया कि थाने से रिपोर्ट मंगाकर 31 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाए। अतीक के दोनों नाबालिग बेटों की कस्टडी सौंपने का मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष चल रहा है। समिति के समक्ष शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देनी है। वकील का आरोप है कि डॉक्टर अहमद और उनकी बेटी पर कार्रवाई दबाव बढ़ाने के लिए की गई है। पुलिस चाहती है कि वो कस्टडी की अर्जी वापस ले ले। माफिया अतीक अहमद की गैंग पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके दो गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 50 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने के मामले में पीड़ित का हाथ तोड़ने की बात पर कार्रवाई हुई है। पीड़ित ने 2 दिन पहले धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। की शिकायत के बाद पुलिस ने अतीक के गुर्गे राहिल और शानू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने राहिल के पास से 6 देसी बम बरामद किए। वहीं शानू के पास से तमंचा बरामद की गई। ये दोनों गैंगस्टर कम्मू जावीर के भाई हैं। पुलिस की कार्रवाई चर्चा प्रयास